नमस्कार बच्चों, आज हम अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, समास। समास आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है, लेकिन आज हम इसको एक नए तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे, कुछ और ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। समास किसे कहते हैं, पहले हमें ये जानना आवश्यक है। अर्थ की दृष्टि से भिन्नता रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब किसी स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं, इस विधि को हम समास कहते हैं। अब इस पर दोबारा विचार करें एक बार। अर्थ की दृष्टि से भिन्नता रखने वाले, अर्थात कोई दो शब्द हैं, वो अलग अलग अर्थ दे रहे हैं, एक अर्थ नहीं है उनका। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब किसी स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं, जब वो शब्द आपस में मिल जाते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, रचना करते हैं, अर्थात है वो दोनों मिलकर एक नया शब्द बना लेते हैं, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द की रचना कर लेते हैं, इस विधि को, इस नियम को हम समास कहते हैं। दूसरा, हम कैसे समझ सकते हैं इस बात को? परस्पर संबंध रखने वाले, अर्थात जो आपस में संबंध रखने वाले हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक जो शब्द हैं और वो आपस में कोई संबंध रखते हैं, संबंध होने के बाद हम उनको जोड़कर एक बना देते हैं, इस प्रक्रिया को, इस तरीके को, इस ढंग को हम समास कहते हैं। अब इस बात को समझने के लिए हम उदाहरण लेते हैं एक, जैसे देश का वासी। देश, हमारा देश या किसी का भी देश, वासी होता है उसमें निवास करने वाला। वास शब्द के पीछे हमने बड़ी ई प्रत्यय लगा दिया है, का संबंध कारक चिन्ह हमने लगा दिया है, तो देश का वासी। हमने क्या किया, ये जो देश है और वासी है, ये आपस में कोई ना कोई संबंध रखते हैं। ये जो दो पद आपस में मिले हुए हैं, ये संबंध बनाते हैं। बिना संबंध वालों को जोड़ना मुश्किल हो जाता है, कोई अर्थ भी नहीं निकल पाता है। तो हमने क्या किया, देश का वासी, इसको हमने संयुक्त कर दिया, हमने इसको एक नए शब्द के रूप में परिवर्तित कर दिया। हमने क्या कहा, देशवासी। उदाहरण के लिए आप दोबारा फिर समझिए, जैसे कई बार हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, यह तो अपने ही देश का वासी है। कई बार हम कहते हैं यह तो अपना देशवासी है, तो इसमें अंतर क्या है? अंतर कुछ भी नहीं है, लेकिन समास होने से अर्थ में चमत्कार आ जाता है, पदों को हमने संक्षिप्त कर लिया है, ये भी एक चमत्कारिक बात हो जाती है। उदाहरण के लिए आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे हम अनेक चीजों को छोटा करके समझने का प्रयास करते हैं, लिखने या बोलने का प्रयास करते हैं, वैसे ही समास का भी ये महत्व होता है। अर्थात समास में भी दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक बना लिया जाता है, लेकिन उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है। अब बात समझ में आ गई आपके? अगर हम कहें कि देश का वासी, तब भी उसका वही अर्थ है। अगर हम कहें देशवासी, तब भी उसका वही अर्थ बनता है। तो इस प्रक्रिया को हम, शब्दों के मेल से बने नए शब्द को बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे है समास के भेद। समास के छह भेद माने जाते हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है बहुव्रीहि समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है अव्ययी भाव समास। अब आपको इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा में लेकर चलते हैं। पहला है हमारा तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास में क्या विशेषता होती है कि यह समास अन्य समासों से भिन्न होता है, अलग होता है, यह हमें समझने की कोशिश करनी है। जिस समस्त पद का पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच की कारक विभक्तियों,
कारक विभक्ति क्या होती है, कारक चिन्ह जिनको हम कहते हैं, जैसे का के की ने पर आदि का लोप हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कैसे, इसको दोबारा समझे। समस्त पद का मतलब होता है जिसमें समास हो चुका है। जैसे अभी आपको एक उदाहरण दिया था कि जैसे हमने कहा कि देश का वासी देशवासी, जो देशवासी शब्द है वह समस्त पद है अर्थात उसका समास बन चुका है। और हमने कहा कि देशवासी का विग्रह करें तो हम क्या कहेंगे, देश का वासी, वो हो गया समास का विग्रह। अब आप समझ रहे आगे, आपको विग्रह होता है उसको अलग अलग रूप में बना देना और समस्त पद होता है उसको सामासिक रूप प्रदान कर देना, अर्थात बीच की जो भी विभक्तियां हैं अर्थात कारक चिन्ह है या जो भी पद अन्य बीच में आए हैं उन सबको मिलाकर हम एक जो नए पद का निर्माण करते हैं वो सामासिक पद होता है, हम उसको समस्त पद भी कह देते हैं। तो जिस समस्त पद का अर्थात सामासिक पद का पूर्व पद, आपको पिछली कक्षा में बताया गया था कि समास के दो ही पद होते हैं, दो से अधिक नहीं होते हैं। जैसे पूर्व पद, पूर्व का मतलब होता है पहला पद अर्थात जो आधा हिस्सा उसका पहला है, गौण होता है वह छोटा होता है, तथा उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर होता है आधा बाद वाला अर्थात बाद वाला। जैसे अभी आपने देखा था देशवासी, तो देश पूर्व पद हो गया, वासी उत्तर पद हो गया। तो समास में दो ही पद होते हैं, दो से अधिक पद उसमें नहीं होते हैं। तो जिस सामासिक पद में, समस्त पद में पूर्व पद गौण होता है अर्थात वो मुख्य नहीं होता है, लेकिन जो आधा बाद वाला अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है वहां पर आपका तत्पुरुष समास होता है। और इन दोनों के बीच में जो भी कारक चिन्ह होते हैं, जैसे का के की मे पर आदि जो भी कारक चिन्ह है वो गायब हो जाते हैं, उनका लोप हो जाता है अर्थात उनको हटा दिया जाता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अब इसमें एक बात और विचार करने योग्य है कि हमारे कारक के आठ भेद होते हैं, आपने उनके कारक चिन्ह भी देखे हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, वो सारी जो बातें आपने पढ़ी है। तो इसमें जो कर्ता है अर्थात कर्ता का कारक चिन्ह है ने, उसको हम प्रयोग में नहीं लाते हैं। अंतिम है हमारा संबोधन कारक है जो, जिसके कारक चिन्ह है हे अरे ओ आदि, वो जो है हम उनको भी प्रयोग में नहीं लाते हैं। तो ऐसे जो दो भेद को छोड़कर बाकी जो बीच के छह भेद हमारे बनते हैं उनको हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। इस समास के विग्रह में कर्ता और संबोधन के अतिरिक्त अन्य सभी छह कारकों के चिन्हों का लोप हो जाता है, वो गायब हो जाते हैं, वो अदृश्य हो जाते हैं। कैसे, अब इसको समझने की कोशिश करें। जैसे हमने देखा यह आदमी तो नेत्र से हीन है, हीन होना है रहित होना अर्थात जिसकी आंखें नहीं है अर्थात जिसको हम कह सकते हैं कि अंधा है आदमी। तो हमने उसका समास विग्रह का सामासिक पद क्या बना, नेत्रहीन, तो से जो कारक चिन्ह था वो हमने बीच से हटा दिया है, हमने इसको समस्त पद बना दिया है। दान में वीर, दान में वीर का मतलब आप समझ रहे हैं जो दान देने में महान है, वीर पुरुष है अर्थात जो सबसे अधिक दान देता है सबको। तो हमने क्या किया, यह तो दान में वीर है लेकिन हमने भाषा में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए इसका समस्त पद बना दिया है, बीच के कारक चिन्ह में अधिकरण में उसको हटाकर हमने इसका दानवीर कर लिया है। स्वर्ग को प्राप्त, अब जो स्वर्ग को प्राप्त है, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त होना था, स्वर्ग प्राप्त हमने कर्ता ने कर्म को कर्म कारक चिन्ह वीर से हटा दिया तो ये स्वर्ग प्राप्त बन गया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि यह हमारा राष्ट्र का पति है, राष्ट्र का पति राष्ट्रपति, तो हमने संबंध का के की कारक चिन्ह बीच से हटा दिया है, उससे रहित इसको कर दिया है। तो इस प्रकार हम जो समास विग्रह वाले पद होते हैं तत्पुरुष समास में हम उनके बीच के कारक चिन्हों का लोप कर देते हैं, उनको हटा देते हैं और उनसे अलग
जो एक नया पद बनता है उसको हम समस्त पद कहते हैं। अब देखिए, नेत्र से हीन, जो नेत्र शब्द है पद है यह हमारा पूर्व पद है, हीन जो पद है यह हमारा उत्तर पद है। अर्थात तो कोई भी सामासिक पद हो उसके दो ही हिस्से होते हैं, दो ही पार्ट होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। तो इस प्रकार हम समझ गए हैं कि तत्पुरुष समास में विशेषता क्या होती है। एक बात और ऊपर बताई गई थी कि जो पूर्व पद होता है वह मुख्य नहीं होता है, वह गौण होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, मेन होता है। अब जैसे नेत्र है और हीन है, दो पद इसमें जोड़े गए हैं। अब नेत्र मुख्य नहीं है, आंखों से अलग होना ही मुख्य बात कही जा रही है। अर्थात आंखों से हीन है वही तो नेत्रहीन होता है, जिसकी आंखें नहीं होती है, अर्थात जो आंखों से नहीं देख पाता है, जो अंधा होता है। तो नेत्र इसमें मुख्य पद नहीं है, अपितु हीन जो पद है वह मुख्य पद है। ऐसे ही जो वीर है, वो वीर किस चीज में, वो दान में वीर है, तो वीर होना अनिवार्य है। राष्ट्र देश को कहते हैं, तो देश का साथ हमने देखा कि यह तो पूर्व पद है और पति जोड़ने से राष्ट्रपति जो बन गया, पति शब्द इसमें जो पद है यह मुख्य हो गया। अर्थात तत्पुरुष समास में हम देखते हैं कि उत्तर पद मुख्य होता है, प्रधान होता है। और जब हम इसका समस्त पद बनाते हैं, जब हम इसका समास बनाते हैं, तब बीच के कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। इसके बाद है हमारा दूसरा समास, है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को भी समझने का प्रयास करते हैं। जिस समस्त पद में, अर्थात जिस समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा विशेष्य हो, या एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है। विशेष्य वह होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, और विशेषण वो होता है जो विशेष्य की विशेषता बताई जाती है। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको कहता हूं कि गोरा लड़का, अब लड़का है वह विशेष्य कहलाएगा, क्योंकि हम लड़के की बात कर रहे हैं, वह विशेष्य हो गया जी। लड़के की विशेषता क्या है, वह गोरा है, तो गोरा शब्द है वह विशेषण कहलाएगा। अब आप समझ गए, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेष्य की जो विशेषता बताई जाती है वह विशेषण कहलाता है। आप देखें काली मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च, हरी मिर्च जैसे शब्द है, हमने क्या किया, मिर्च की विशेषता बताने की कोशिश की है, तो जो मिर्च शब्द है वह विशेष्य कहलाएगा। मिर्च की विशेषता क्या है, वह हरे रंग की है या वो लाल रंग की है, तो वो जो उसकी विशेषता है वह उसका विशेषण कहलाएगा। अर्थात हरी मिर्च है तो हरा जो शब्द है या हरी जो शब्द है वह विशेषण हो गया, मिर्च शब्द है वह विशेष्य हो जाएगा। जिसकी विशेषता बताई जाए और उसकी जो विशेषता बताई जाए, यह विशेषण और विशेष्य की बात हो रही है। दूसरा हमारे सामने एक नया पद आया है, उपमान तथा उपमेय। उपमेय वह होता है जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान वो होता है जिससे तुलना की जाती है। अर्थात जिस व्यक्ति को या वस्तु को कंपेयर किया जाता है दूसरी वस्तु से या व्यक्ति से, वो तो हो गया उपमेय, और उसके अंदर जिससे हम उसकी तुलना करते हैं वह हो गया उपमान। जैसे मैं एक वाक्य के माध्यम से अपनी बात स्पष्ट कर रहा हूं, वह लड़का तो या मोहन तो सचिन तेंदुलकर की तरह अच्छा क्रिकेटर है। अब आपने देखा कि मैंने कहा कि मोहन तो सचिन तेंदुलकर की तरह अच्छा क्रिकेटर है या अच्छा क्रिकेट खेलता है। अब मोहन जो शब्द है वह हो गया उपमेय, क्योंकि हम उसकी तुलना कर रहे हैं, हम उसकी विशेषता नहीं बता रहे हैं, हम उसकी तुलना कर रहे हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तुलना हम कर रहे हैं। उपमान हो गया यहाँ पर सचिन तेंदुलकर, अर्थात गुणों के आधार पर हमने उसकी तुलना
की है इसमें। अब आपको बात समझ में आ गई है, लेकिन एक बात और समझने की आवश्यकता है, जो ये तुलना की जाती है, हम कंपेयर करते हैं, वो गुणों के आधार पर ही होती है, वो गुण उसके अंदर विद्यमान होना चाहिए। अब जैसे मैं कहता हूं कि वह लड़का तो अमिताभ बच्चन की तरह अच्छा अभिनेता है, अब वह लड़का है जिसकी हम बात कर रहे हैं या मोहन की मैं बात कर रहा हूं, तो मोहन जो शब्द है वह उपमेय कहलाएगा, अमिताभ बच्चन से हम उसकी तुलना कर रहे हैं तो वह उपमान कहलाएगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन भी अच्छा कलाकार है, अभिनेता है, और वह लड़का भी अच्छा अभिनय करता है, अच्छी एक्टिंग वो करता है। तो ये हमने देखा कि इनमें दोनों में एक समानता है, वो गुणों के आधार पर समानता है, लेकिन ये जो समानता होती है, ये जो तुलना होती है, हमेशा बराबरी को देखकर ही होती है, बैलेंस ही होता है। अब मैं इसको अगर दूसरे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूं, मैं एक अजीब सी आपको तुलना बताता हूं। वह लड़का तो हाथी के समान पतला है। अब आप देखेंगे कि हाथी तो पतला होता ही नहीं है। अब वह लड़का जो है वह तो उपमेय हो गया, और मैंने कहा कि वह लड़का तो हाथी की तरह पतला है, तो यह उपमान सही नहीं बैठता है, क्योंकि हाथी तो पतला होता ही नहीं है। अब बच्चे आप बात समझ में आ गई होगी आपको कि जो तुलना होती है हमेशा वह क्वालिटी के आधार पर ही होती है। वह लड़का तो चांद के समान सुंदर है। अब चांद तो सुंदर होता है, ये तुलना बिल्कुल सही बैठ रही है। तो आप समझ गए कि जिस समस्त पद में एक पद विशेषण होता है तथा दूसरा विशेष्य होता है, या एक पद उपमान या उपमेय होता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। अगली बात, विशेषण अभी आपको बताया, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए, और विशेष्य होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाए। उपमान वह होता है जिससे तुलना की जाए, कंपेयर किया जाए। उपमेय वह होता है जिसकी तुलना की जाए, कोई शब्द, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु हो सकता है, संज्ञा या सर्वनाम के रूप में भी वह हो सकता है। अब इसको उदाहरण से समझे आप बात को, जैसे नीला है जो कमल, नील कमल। अब जो कमल है वह कैसे रंग का है, वह तो नीले रंग का है। अब हमने क्या किया, इसके जो सामासिक विग्रह था नीला है जो कमल, हमने क्या किया कि इसके बीच के जो पद है इनको लोप कर दिया, इनको हटा दिया, हमने क्या किया नील कमल उसका नाम रख दिया, उसको सामासिक पद में हमने बदल दिया है। अब कमल की विशेषता क्या है, वह तो नीले रंग का है। अब आपको बात समझ में आ गई है, वह जो कमल है वह पीला हरा लाल नहीं है, वह नीले रंग का है, तो कमल हो गया यहाँ पर विशेष्य, नील अर्थात नीला रंग हो गया उसकी विशेषता है, इसलिए विशेषण कहलाएगा। तो नीला है जो कमल अर्थात नील कमल में विशेषण और विशेष्य का संबंध दिखाई पड़ रहा है। दूसरा उदाहरण देखें आप, कमल के समान नयन अर्थात जिसकी सुंदर आंखों की हम तुलना करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, या तो कमल के साथ करते हैं, या हम मछली की आंखों से करते हैं, या हिरण की आंखों से करते हैं। कमल भी सुंदर होता है, मछली की आंखें भी बड़ी सुंदर मानी गई हैं तुलना करने के लिए, और जो हिरण की आंखें हैं या हिरनी की आंखें हैं वो भी बहुत सुंदर मानी कई है। जैसे मैं कहता हूं कि मृग नयनी या मृग नयन, तो मैंने क्या किया आंखों को मृग की आंखों से उसकी तुलना की है, कंपेयर किया है। एक बात और विशेष रूप से जो समझने वाली है वह यह है कि जो उपमेय होता है अर्थात जिसकी हम तुलना करते हैं, वह तो हमारे आसपास ही होता है, हमसे दूर नहीं होता है, लेकिन जो उपमान होता है वह हमारे आसपास नहीं होता है, वह हमसे दूर होता है। अब देखिए कमल नयन, जैसे मैंने अभी आपके सामने प्रयोग किया है, जो नयन है, मान लीजिए कोई लड़का या लड़की आपके सामने खड़ी है, तो उसकी आंखें देखकर हम यह बात कह रहे हैं कि इसकी आंखें तो कमल के समान सुंदर है, या कमल नयन है ये लड़की तो या लड़का तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि आंखें तो हमारे सामने दिखाई दे रही है, अर्थात उपमेय तो हमारे सामने खड़ा है, आंखें हैं, आंखों के रूप में है, लेकिन जो कमल है वो तो हमारे पास नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि मृग नयन, तो आप देखेंगे कि नयन तो हमारे सामने है लेकिन मृग तो हमारे पास नहीं है ना। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि जहां पर विशेषण और विशेष्य का संबंध हो,
उपमान और उपमेय का संबंध हो वहां पर हमारा कर्मधारय समास होता है। इसके बाद हमारा है द्विगु समास। द्विगु समास में हम देखते हैं जिस समस्त पद में पूर्व पद, अब पूर्व पद उत्तर पद आप समझ गए हैं, पूर्व पद होता है आधा पहले वाला, उत्तर पद होता है आधा बाद वाला। जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाची हो अर्थात संख्या का बोध करने वाला हो और समस्त पद समूह का बोध कराए वहां द्विगु समास होता है। अर्थात जब हम उसको दोनों को जोड़ देते हैं पूर्व पद को उत्तर पद को तो किसी समूह का, किसी ग्रुप का, किसी कम्युनिटी का बोध हमें वो कराता है। इसमें विग्रह करते समय उत्तर पद के बाद समूह या समाहार शब्द को अवश्य जोड़ा जाता है। अब देखिए जैसे उदाहरण के रूप में है तिरंगा, टी का मतलब हो गया तीन, रंगा हो गया रंगों वाला, तीन रंगों का समाहार। आप देखते हैं हम जो तिरंगे शब्द का प्रयोग करते हैं, तिरंगे में आपने देखा कि तीन ही रंग होते हैं, तो सामासिक पद क्या हो गया तिरंगा। इसका पूर्व पद है वो तीन से संबंध रखता था, संख्यावाची है पूर्व पद है, और जो रंग शब्द है या रंगा शब्द है वह हमारा हो गया उत्तर पद बाद वाला, अर्थात तीन रंगों का समाहार, अर्थात तीन रंग जिसमें मिले हुए हैं। सप्ताह, सप्ताह में आप देखते हैं सप्ताह में सात दिनों का समूह होता है उसी को हम सप्ताह कहते हैं, जो 30 या 31 दिनों का समूह होता है उसको हम कभी भी सप्ताह नहीं कहते हैं। शत जमा अवध, शत होता है 100, अवध होता है वर्ष, शत अवधों का समाहार अर्थात जिसको हम कहते हैं शताब्दि, अर्थात 100 सालों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो हम उसे एक शताब्दी कहते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि हम कहते हैं कि यह तो शत अवधों का समाहार है या शत अवधों का समूह है, इसके बजाय हम क्या करते हैं इसको हम शताब्दी के रूप में लिखते हैं। सात दिनों तक मैं काम करता हूँ या पूरे सातों दिन मैं काम करता हूँ, इसके बजाय हम क्या प्रयोग करते हैं मैं तो सप्ताह भर या पूरा सप्ताह काम करता हूँ। तो हम क्या करते हैं मुख्य रूप से सामासिक पदों का प्रयोग ही करते हैं और इसमें भाषा में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। तो यह है हमारा द्विगु समास, जिसका जो आधा पहला अर्थात पूर्व पद होता है वह संख्यावाची होता है और उत्तर पद और पूर्व पद मिलकर एक समूह का बोध कराते हैं। अब देखो तीन रंगों का समाहार है, तीन रंगों के समूह की बात वो करा रहे हैं। सात दिनों के समूह में सप्ताह में हम सात दिनों के समूह की बात कर रहे हैं, शताब्दी में हमने देखा कि 100 सालों के समूह की बात हो रही है, तो द्विगु समास में हम समूह की चर्चा करते हैं। इसके बाद है जी हमारा बहुव्रीही समास। जिस समास के समस्त पदों में से पूर्व पद या उत्तर पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान हो उसे बहुव्रीही समास कहते हैं। आपको बात समझ में आ गई होगी कि समास में दो ही पद होते हैं पूर्व पद और उत्तर पद, इसमें ना तो पूर्व पद मुख्य होता ना ही उत्तर पद मुख्य होता, अपितु जब हम दोनों को जोड़कर अर्थ निकालते हैं तो वह किसी अन्य पद की तरफ इशारा करता है, अन्य पद को प्रधान बना देता है, इसे बहुव्रीही समास हम कहते हैं। इस समास में समस्त पद का विग्रह करने पर अंत में जिसका, जिसकी, जिसके, जो, वाला, वाली, वाले आदि शब्द आते हैं। कैसे? जैसे हम कहते हैं कि चक्रधर, चक्र होता है चक्र, धर होता है धारण करना, चक्र धारण किया है जिसने, अब ऊपर क्या कहा गया था कि जिसने, जिसका, जिसकी आदि शब्दों का प्रयोग साथ में हम करते हैं। अब देखिए चक्र पूर्व पद है, धर हो गया इसका उत्तर पद, चक्र धारण किया है जिसने, अब आप बताइए ना तो चक्र मुख्य नजर आ रहा हमें ना ही धर मुख्य नजर दिखाई दे रहा है हमें, अपितु दोनों पद मिलकर तीसरे पद की तरफ संकेत कर रहे हैं, तीसरे पद को प्रधान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने उसको बना भी दिया है। अर्थात चक्र धारण किया है जिसने, किसने चक्र को धारण किया है, विष्णु ने धारण किया है, तो विष्णु पद ये प्रधान हो गया, अर्थात चक्रधर हम विष्णु को ही कहते हैं। आपने देखा कि जो
गणेश जी हैं या हनुमान जी हैं, आपने देखा होगा वो चक्र धारण नहीं करते हैं। विष्णु या विष्णु के अवतार जैसे कृष्ण जी हैं, वो ही चक्र को धारण करते हैं। इसलिए ना तो इस समास में पूर्व पद मुख्य होता, ना ही उत्तर पद मुख्य होता, अभी तो दोनों मिलकर एक नए पद का निर्माण करते हैं, नए पद को मुख्य बनाते हैं, वही हमारा बहुव्रीही समास होता है। जैसे चक्र धारण किया है जिसने, किसने, विष्णु, तो हमें नाम भी लिखना जरूरी होता है। अगला उदाहरण देखें, गजानन, गज हाथी, आनन मुख, गज के समान आनन है जिसका। अब हाथी मुख किसका होता है, हाथी के समान मुख किसका होता है, आपका और हमारा तो नहीं होता है, किसी पशु या पक्षी का भी नहीं होता है। आपने देखा कि जो गणेश देवता है उसको हम गजानन कहते हैं, क्योंकि उनका मुख होता है वह हाथी के समान होता है। तो इसमें ना तो हाथी मुख्य हुआ, ना आनन मुख पद मुख्य हुआ, अपितु दोनों पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर एक तीसरे पद का निर्माण करते हैं, तीसरे पद की तरफ इशारा करते हैं, उसी को प्रधान बना देते हैं। अर्थात गज के समान आनन है जिसका, गज के समान हाथी के समान मुख है जिसका, वो कौन है, वो तो गणेश जी है, कोई और देवता नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुव्रीही समास में पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान न होकर अपितु अन्य पद प्रधान होता है, इसी को हम बहुव्रीही समास कहते हैं।